दिल्ली की ज्वेलरी दुकान से अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले शातिर चोर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। दिल्ली के भोगल ज्वेलरी शॉप में 25 करोड़ रुपए मूल्य के गहने चोरी करने के बाद आरोपी छत्तीसगढ़ भागकर आ गया था। इसके पूर्व बिलासपुर में हुई 7 चोरियों के मामले में बिलासपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी लोकेश श्रीवास दुर्ग जिले में छिपा हुआ है। इस जानकारी के बाद बिलासपुर पुलिस ने रायपुर पुलिस के साथ मिलकर भिलाई पुलिस के सहयोग से सुपेला थाना के स्मृति नगर पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित उसके घर में दबिश देकर आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी लोकेश श्रीवास के मकान की तलाशी लेने पर बिलासपुर से चोरी हुए 12.5 लाख रुपए का सामान मिला। इसके अलावा 18.5 किलो सोना और हीरे की ज्वेलरी भी मिली। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने ही दिल्ली के जंगपुरा के ज्वेलरी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दुर्ग में एक रात को रेड की कार्रवाई की गई थी जिसमें एक चोर लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया। बेसिकली उसके खिलाफ हम लोग के 7-8 चोरियों के मामले बिलासपुर में अलग अलग थानों में दर्ज थे। कल उसके एक साथी को पकड़ा गया था कवर्धा से, जिसके साथ 23 लाख का सामान ज्वेलरी और कैश मिला था। जब उसके बाद वो वहीं से भागा था और हमारी टीम जब वहाँ पहुँची, रायपुर और दुर्ग की पुलिस को भी साथ लेके हम लोग पहुँचे थे। और वहाँ जब उसको पकड़ा गया लगभग 12.5 लाख जो कैश है उसके घर से मिला है। और चेक करने के बाद दिल्ली में काफ़ी बड़ी चोरी हुई थी, उस चोरी के भी लगभग जो 18.5 किलो सोना डायमंड ज्वेलरी भी मिला है। दिल्ली पुलिस भी टीम भी पहुंची हुई थी। एक हम लोगों ने कार्रवाई मिलकर की है और इसमें हो सकता है कि आने वाले समय में और भी खुलासे हो। अभी हम लोग चोरों को लेके यहाँ आ रहे हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से इन्होंने चोरियाँ की हैं, इंटर स्टेट गैंग है, कुछ और लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ और चोरियों के खुलासे। ये देखिए, ये जो रेड की कार्रवाई जो की गई थी इसमें काफ़ी समय से, जैसा मैं बताया, हम लोग की टीम काम कर रही थी। कल भी एक जो यहाँ रेड हुआ था उसमें हम लोगों ने पकड़ा, उसके बाद से ये भग के गया था, तो वहाँ उसको पकड़ा। दिल्ली पुलिस भी काफ़ी समय से चोरी के मामले में वो लोगों को खोज रहे थे, वो भी टीम पहुँची हुई थी। तो एक अच्छा, सभी टीमों के लिए एक सफल ये अभियान माना जाएगा और इसमें और चोरियों को भी खुलासा हो सकता है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी हुई थी, जिसके फलस्वरूप दिल्ली पुलिस इस मामले के को पर्दाफाश करने में लगी हुई थी। इस बीच छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस में भी कुछ उनके चोरी के मामलों को पतासाजी में जुटी हुई थी। और चूंकि जो आरोपी है, आरोपी स्मृति नगर दुर्ग का रहने वाला है और इसमें दुर्ग पुलिस को भी कुछ इंट मिला हुआ था, इस पर से जो छत्तीसगढ़ की दोनों जिलों की पुलिस और दिल्ली पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए जो 25 करोड़ की चोरी हुई थी दिल्ली में, उसको पूरा मछलू का बरामद कर लिया है। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इसमें चूंकि मामला दिल्ली पुलिस और बिलासपुर पुलिस दोनों जगह मामले पंजीबद्ध हैं जहां चोरी हुए थे, तो दोनों पुलिस के द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी एक हाई प्रोफाइल टाइप का चोर था, ये छोटी चोरियां करता ही नहीं था। अभी कुछ दिनों पूर्व आपके संज्ञान में भी होगा, कवर्धा में इसने 2 करोड़ की चोरी की थी, उस पर भी कवर्धा पुलिस ने इसको क्रैक किया हुआ था। और उसके बाद से दुर्ग पुलिस भी लगातार इस पर नज़र रखी हुई थी, क्योंकि बड़ा चोर था। जब भी हमारे यहाँ कोई घटना घटती थी तो हम इसको टारगेट किया करते थे, क्योंकि आरोपी इस भीतर रहने वाला है और अन्यथा निवासरत और पूरे देश भर घूम कर चोरी किया करता है। लेकिन हमारी नज़र इस पर लगातार बनी हुई थी। जब ये 25 करोड़ की चोरी की जानकारी हम लोग को लगी तो सबसे पहले हम लोगों ने उस पर नज़र रखना शुरू किया, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। जी, मेरा नाम प्रदीप आर्य है, सिविल लाइन बिलासपुर से थाना प्रभारी हूँ। हमारे सिविल लाइन क्षेत्र में विगत 1.5-2 माह पूर्व 5 दुकानों में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके एक हफ्ते बाद फिर से पुनः उसी के आसपास 5 दुकानों का शटर तोड़ा गया था। लगातार चोरियों को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे, जिस तारतम्य में CCTV फुटेज खंगाले गए, जिसमें लोकेश श्रीवास का नाम सामने आया और जो कवर्धा का रहने वाला था। हमने कवर्धा में रेड कार्रवाई की गई थी, जहाँ से फरार होकर स्मृति नगर में आकर छुपा हुआ था। तकनीकी
की साक्ष्यों के आधार पर यहाँ रेड कार्रवाई की गई। आरोपी लोकेश श्रीवास यहाँ पर पकड़ा गया, साथ में उसके 18.5 किलो सोना और 12.5 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। हाँ, आरोपी द्वारा कई राज्यों में अलग अलग राज्यों में चोरियाँ की गई हैं, जिसके संबंध में सभी राज्यों की पुलिस उनकी तलाश में है। इस संबंध में उसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ पश्चात उसमें उसको यदि उसके द्वारा किया गया बताना पाया जाता है तो उसमें उसको मेमोरेंडम में लाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी जानकारी के अनुसार तेलंगाना, आंध्रा और MP और छत्तीसगढ़ में और एक दिल्ली, 5 जगह का पता चला है, बाकी पूछताछ जारी है।